कि मेरा मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं है मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है मेरे बच्चे पैसों के लालची है उन लोग को बस पैसा चाहिए बाप नहीं चाहिए बीवी को भी सिर्फ पैसा चाहिए मतलब पति नहीं चाहिए और आ, मैं बहुत जल्दी अलग हो जाऊंगा हम लोग दो साल में शादी कर लेंगे जैसे दो साल हुए मैंने बोला अब क्या करना है शादी कर ले हाय मैं रोशन और आप देख रहे टाइम्स टाइम्स में आपका स्वागत है जी जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अभी काजल की भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी चहेती हीरोइन है काजल रखवानी जो एक समय था एक दौर था खेसारी लाल और काजल रघवानी की हर भोजपुरी फिल्म में इन दोनों की जोड़ी देखने को मिलता था आखिर ऐसा क्या हुआ जो खेसारी लाल के बारे में काजल रखवानी को इतना कुछ कहना पड़ा जी हाँ मैं कह रहा हूं अगर समय रहते जब आपको पता था कि खेसारी लाल जी ऐसे है वैसे है तो आपको पहले ही बोलना चाहिए ना अब इतने सालों के बाद क्यों तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी लग रहा है कि ये सब मीडिया में बने के रहने के लिए ये कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए ये सब ऐसा किया जा रहा है जब मुझे अगर मुझे लगता है कि वहां पे गड्ढा है जब मुझे पहले ही पता है तो उस गड्ढे के बारे में हम पहले ही जिक्र क्यों नहीं करेंगे

सच बोलना चाहूंगी मुझे नहीं लगता कि हमारी इंडस्ट्री में एक भी फीमेल ने हीरो को प्रपोज किया होगा जी। एक भी लड़की ने खुद से जाके हीरो को प्रपोज नहीं किया होगा ये मैं लिख के दे सकती हूँ वहां से आए हैं ना लोग वहां अच्छा। से मगरमच्छ के आंसू के आए हैं कोई भी लड़की खुद से चल के किसी हीरो के पास नहीं गई है मैं खेसारी जी के साथ की बात बताना चाहूँगी आज बता ही देती हूँ बिकॉज लोगों के दिल में बहुत सारी नफरत मेरे लिए पैदा हुई है ठीक है इसके बाद भी अगर मैं आज बता भी देती हूँ तो इसके बाद भी लोग क्या सोचते क्या नहीं सोचते वो भगवान देखे और वो ही जानता है सच क्या है मैं फिल्म कर रही थी मेहंदे लगा के रखना तो उस फिल्म में अ जब उनका ब्रेकअप हो चुका था अक्षरा जी के साथ तो उसके बाद मेरे पास वो मतलब रोना तो उनका ये है चुटकी चुटकी में उनको आंसू आते हैं <laughs> तो फिर हुआ वो रो रहे थे तो एज एन ह्यूमन बींग मैं उनके पास गई हूँ कि कोई बात नहीं होता है हो गया कोई बात नहीं आगे बढ़िए लाइफ वहां पे खत्म नहीं होती है एक ह्यूमन तो होता है ना भाई अगर आप रो ग किसी के लिए रो रहे हो एज एन पर्सन मैं आपके पास आ रही हूँ सहानुभूति दे रही हूँ छोड़िए कोई बात नहीं आप काम पे ध्यान दीजिए अब ब्रेकअप होने के बाद कोई जान तो नहीं देगा ना बट मेहंदी से हम लोग हमारी पैर ज्यादा हाईलाइट हुई मेहंदी से तब तो फिर फिल्म कर रही थी तो वहाँ पे मुझे डायरेक्टर ने बाबू तुमसे बहुत प्यार करता है अगर तुम उसकी लाइफ में नहीं रहोगी ना तो वो मर जाएगा प्लीज़ उसको संभाल लो वो तुमसे बहुत प्यार करता है तुम उसको छोड़ के मत जाना तुम उसको धोखा मत देना नहीं तो वो मर जाएगा वो सुसाइड कर लेगा वो तुम्हारे लिए बहुत सीरियस है मतलब इतनी चीज़ें मेरे अंदर डाली गई उनको लेके उनका रोना धोना वो अलग ये ये चीजें होती हैं उसके बाद उनका ये स्टेटमेंट कि मेरा मेरी बीबी से कोई रिश्ता नहीं है मेरी बीबी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है मेरे बच्चे पैसों के लालची है उन लोग को बस पैसा चाहिए बाप नहीं चाहिए बीवी को भी सिर्फ पैसा चाहिए मतलब पति नहीं चाहिए और आ, मैं बहुत जल्दी अलग हो जाऊंगा हम लोग दो साल में शादी कर लेंगे जैसे दो साल हुए मैंने बोला अब क्या करना है शादी कर ले बोलता अभी तो करियर बन रहा है बाबू अभी तो करियर पे ध्यान दो एक साल करियर मतलब अभी करियर हमारा स्टार्ट हुआ है लोग इतना पसंद करना स्टार्ट कर रहे हैं तो काम करते हैं वो तो रहना ही है साथ तो करना ही है और करूंगा ही करना ही है ये बातें होती हैं ऐसे लड़कियां पटाते हैं आज उनकी बीवी के लिए जो वो इतना जो सबके सामने अच्छे बन रहे हैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं है दिखावे के लिए बन रहे हो भाई अगर तुम्हारा इतना ही अच्छा होता तो वो मिश्रा जी के पॉडकास्ट में अपनी बेलियों को कलियों की बीवी तो बिल्कुल भी नहीं बोलता उनकी टीम तो और वहां घटिया लड़कियों को उनके पास जैसे करते हैं दलाली टाइप बस वही है उनके पास आज मुझे सॉरी के जी आज मैं बोलूंगी और अभी शुभांकर जी के यहाँ जो उन्होंने टेम्पो एंड रेंज रोवर जो वर्ड यूज किया था उसके बाद मैंने तुरंत उनको कॉल किया था कि केसारी जी क्या आप जब पैदा हुए तब से आप रेंज रोवर में घूम रहे हो क्या बताइए मुझे जब से पैदा हुआ तब से रेंज रोवर में घूम रहे हैं अगर आज एक साल में उन्होंने रेंज रोवर खरीदी है तो आपको तो उस चीज़ के लिए आपको महान बनना चाहिए कि मैंने मेहनत करी है और मैंने ये कमाया है ये बोलना चाहिए ना? आज अगर आप अंबानी के घर में गए हैं तो आप अंबानी तो नहीं बन गए ना जी। इस मामले में पवन जी को बहुत मानती हूँ कि वो चीजें उन, उनको काफी बड़े बड़े ऑफर्स आते हैं लेकिन वो दर्शाते नहीं है वो उसका घमंड लेके नहीं चलते हैं जितना घमंड के सारे जी के पास है। हुई है मेरे साथ के जब मैं जब स्ट्रेस में हो जाती हूँ ना मुझे मुझे धमकाया गया था अगर तुमने कुछ भी बोला या कुछ भी कहीं किया तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा उन्होंने मुझे ये वर्ड बोला है कि बेटा जितनी औकात हो उतने सपने देखो उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है अगर किसी के सामने हर जगह जाके अगर उन्होंने ये बोला है कि मैंने उसको छोड़ दिया काजल राघवानी ने मुझे धोखा दिया तो आई एम वेरी सॉरी मैंने उनको छोड़ा है और वो जानते हैं अगर हिम्मत है दुनिया के सामने तो मैं भी बोल सकती हूँ चिल्ला चिल्ला के सामने बिठा के बोलो बोले तब मानेंगे मैं रिसेंटली uh, अभी शूट कर रही थी कुछ टाइम पहले वहाँ पे एक लड़की आई थी तो एल्बम के लिए उसको बुलाया गया था उसने मुझे कहानी बताई है अब जितना मैं जानती हूँ तो फिर मुझे तो लड़की सही लगी कि हाँ सच ही होगा तो उसने बोला कि uh, दीदी मैं जब शूट करने गई थी तो पहले ऐसे ऐसे घूर के ऐसे अच्छा मतलब तो ऐसे देखते है कोई सामने खूबसूरत दिख रहा है तो देखते ही है ना भाई उसके बाद फिर बोला कि रात को दो बजे कॉल आ रहा है कि जल्दी ऐसे होटल लेके आ जाओ गाना करना है शूटिंग करना ऐसा है ऐसा शूट है तो बोले कि रात को दो बजे कौन सा शूट है भाई पहले से होता है ना शूटिंग का तो प्लानिंग पहले हाँ। से होता है तो फिर बाद में वो नहीं गई और नेक्स्ट डे कुछ एक दिन बाद फिर वापस बोला गया कि आ जाओ शूटिंग है ऐसा करके तो फिर बाद में वो गई मतलब कहने का मतलब ये था कि जब तक काम के लिए नहीं बुलाते तब तक वो हाथ नहीं लगती फिर काम के लिए बुलाया तब जाके बोले कि अच्छा मतलब ऐसे काम के लिए तुम तो आओगी वैसे नहीं आओगी ऐसा तो आपने देखा कि कैसे आरोप लगा रहे हैं खेसारी लाल पे क्या वाकई में आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई में खेसारी लाल जी ऐसा कर सकते हैं सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा तब तक के लिए बाय टेक केयर देखते रहिए रॉनी टाइम्स